देख रहे हैं तैयारियां काफी एडवांस स्टेज पर है। पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग चल रही है, दो बार ट्रेनिंग हो गई, थर्ड बार की ट्रेनिंग अभी चल रही है। ईवीएम कमीशनिंग जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो रही है। होम वोटिंग जो है एक दो दिन में शुरू हो जाएगी। घर पर जाकर के हमारी पोलिंग पार्टीज टेम्पररी पोलिंग बूथ एस्टेब्लिश करेंगी उन शख्सों के लिए जिनकी उम्र 85 से ज्यादा है या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, और उनसे जिन जिन से अप्लीकेशंस आए हैं उनके घर में जाकर के हम वोटिंग ले लेंगे। बाकी जो पुलिस की अमला की साइड से जो तैयारियां रहती है वो सब मुकम्मल है। जिला दो फेजेस में इलेक्शंस को जा रहा है। जैसे आपको पता है बीरवा और बड़गाम बारामुल्ला के साथ 20 तारीख को वोटिंग होगी, और उससे पहले श्रीनगर में जो है रिमेनिंग 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटिंग जो है 13 तारीख को होने जा रही है। बेसिकली कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने जरिए से अब अपने तरीके से उनके जो स्ट्रांग होल्ड्स है प्राइमरीली वहीं पर काम ज़्यादातर करती है। इलेक्शन डिपार्टमेंट का खास करके डीओज और उनके जो स्वीप के नोडल ऑफिसर से उनकी जो अलग अलग टीम है, हमारा प्रयास रहता है हर किसी के पास पहुंचे और इंक्लूसिव इलेक्शंस बनाए, चाहे लेडीज है, यंग वोटर्स है, कहीं कोई बुजुर्ग है या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उन तक भी पहुंचने का हमारा प्रयास रहता है। नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के हम उतना ही बताते हैं कि वोट की अहमियत क्या है और वोट क्यों करना जरूरी है, और जिसको भी चाहे वो जिस भी कैंडिडेट को वो वोट कर सकते हैं, या कोई अगर उनको काबिल उनमें से कोई नहीं लगता का तो उस केस में नोटा का भी ऑप्शन उनको बताया जाता है। जिला बड़गाम जो दो फेजेस में इलेक्शंस को जा रहा है श्रीनगर और बारामुल्ला के साथ, 13 और 20 तारीख को यहाँ वोटिंग होगी। जिले की आम आवाम को मैं ये अपील करना चाहूँगा, बहुत ही मेहनत करके हम आपके विलेज स्टेप्स तक पहुँच रहे हैं। हर गांव में अगर सिटी है तो हर मोहल्ले में हमारा पोलिंग स्टेशन रहेगा तयशुदा लोकेशन पर। इतनी मेहनत करके हम आपके गांव तक पहुँच रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आपके घर से निकल करके आपके गाँव में भी आपके लिए जो पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा 13 तारीख या 20 तारीख को, जो भी आपका एरिया पड़ता है उस हिसाब से जरूर आप पोलिंग स्टेशन पे जाकर के वोट का इस्तेमाल करें। वोट इस्तेमाल करना सिर्फ हमारा हकूक ही नहीं, ये हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है।